नमस्कार दोस्तों, ओम मैग्नेट थेरापी क्लिनिक में आपका स्वागत है। मैं हूं कल्पेश भट्ट, आनंद गुजरात। दोस्तों, इस जमाने में बैक पेन आम हो गया है, चाहे वो बुजुर्ग हो या कोई युवा हो, क्योंकि बाइक चलाना है या ऑफिस में लंबे समय बैठना है और एक्सरसाइज की कमी और कई वजहों से बैक पेन का दर्द अब आम हो गया है। और कोई चाहता नहीं कि वो छोटा मोटा बैक पेन की वजह से हॉस्पिटल का चक्कर लगाए। आज मैं आपको थोड़ी टिप्स बताऊंगा जो आप घर पे रहकर भी ये बैक पेन कम करने के लिए, उसमें रिलीफ पाने के लिए आप कर सकते हो। तो आशा रखता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो जरूर उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन कृपया जरूर दबाए, ताकि कोई नए जो वीडियो मैं आपको भेजूं वो आपको इमीडिएटली उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ टिप्स एक्सरसाइज की। सबसे पहले ऐसे बैठना है, ये कमर का भाग एकदम स्ट्रेट सीधा होना चाहिए, और ये दोनों पांव है वहां पे दोनों हाथ हमें छूना है, लेकिन क्रॉस की वजह से। राइट हैंड है वो लेफ्ट पैर को और लेफ्ट हैंड है वो राइट पैर को छूना है, वो दोनों 20 बार करने हैं ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, मतलब दोनों पैर में 10-10 बार, टोटली 20 बार हुआ, ऐसा आपको करना है। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज, आपको लेट जाना है और ये जो पांव है वो सीधे करने हैं। यहां पे आप अपने बटक्स के नीचे सपोर्ट रख सकते हो, देखिए ऐसे, अब एकदम सीधा। अब उसको आपको दाहिनी और बाहिनी और दोनों साइड 5-5 बार घुमाना है, देखिए पूरा राउंड। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया दोनों साइड 5-5 टाइम्स। ये आपको रोज करनी है एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज, इससे आपका बैक पेन भी कम होगा, और सपोज कि आपके पेट के भाग में तौंद है या चर्बी है तो वो भी कम हो जाएगी। आपको ऐसे करना है, हाथ यहां पे रख के सांस लेके, सांस रोक के ये 10 बार करना है। पहला सांस लेना है, सांस रोक के आपको ऊपर उठना है, ये आपको 10 बार करना है। उसके बाद ये दोनों हाथ है उसे ऐसे करके यहां पे रख के दोनों घुटनों को आपको छूना है 5-5 बार। 1, 2, 3, 4, 5, ओके। तो ये आपको, ये मैं थोड़ी थोड़ी बार बता रहा हूं 5-5 बार, लेकिन आपको 10-10 बार करना है। ये धीरे धीरे आप करोगे तो आपका जो दर्द है, पेन, बैक पेन, वो कम होता जाएगा। अब उसके बाद आपको ये जो पैर है वो सीधा रखना है और राइट साइड पे उसको लाना है, लाओ और एकदम नीचे की ओर घुमा, फिर अगेन सीधा करके एकदम सीधा लाओ, नीचे लाओ, लाओ और यहां से घुमाना है, नीचे लाना है। ये भी आपको 5 बार करना है। दूसरे पैर से भी मैं बता देता हूं, देखिए एकदम मैंने सीधा किया है पैर मेरा, और यहां पे मैंने मोड़ा है,
और उसके बाद जमीन की ओर। तो ये हो गई चार एक्सरसाइज। उसके बाद आपको लेट जाना है, आपको यहां पे लेट जाना है और अपने हाथों के बल से, अपने हाथों के बल से आपको ऊपर उठना है। देखिए बस ज्यादा बॉडी नहीं उठानी है, ऐसे ही करना है। ये भाग जो है कमर का हिस्सा वो छू, जमीन को छूना चाहिए। तो ऐसे एक्सरसाइज आप 5 बार कर सकते हो। उसके बाद जो एक्सरसाइज करनी है वो पहले सांस लेके, सांस को रोक के ये जो कमर का हिस्सा है उसे भी हमें ऊपर उठाना है, याद रखना। देखिए मैं अकेला कर रहा हूं, सांस लेता हूं, सांस को रोक के बाद में मैं ऊपर उठाऊंगा, आपको डिफरेंस महसूस होगा। एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच। तो ऐसे आप कर सकते हो ये एक्सरसाइज। और आज की लास्ट एक्सरसाइज थोड़ी टेढ़ी है, लेकिन आप एक्सरसाइज रोज करोगे और प्रयत्न करोगे तो हो जाएगी। आपको ऐसे करके दोनों पैर को पकड़ना है और ये आपकी जो एड़ी है वो यहाँ पे हिप पे छूनी चाहिए, देखिए। और उसके बाद आपको सांस लेके ऊपर उठना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ऐसे आपको दोस्तों 5 बार, उसके बाद 7 बार, 10 बार, ये आपको धीरे धीरे बढ़ाना है। तो ये जो आपको आज मैंने टिप्स बताई वो आप घर पे कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो। हाँ, लेकिन जो विल पावर है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। और एक बार आपने शुरू की एक्सरसाइज तो उसकी कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। आप एक बार मन में थाम लो कि मुझे ये करना है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। और उसके बाद दूसरा, खाने के लिए आपको मैं और एक बता देता हूं चीज, मेथी दाना। रोज मेथी दाना आप जरूर चबाइए, या रात को 1 चम्मच मेथी दाना को पानी में भिगो दें और सुबह में उठ के आप ले लीजिए। तो ऐसा करने से आपको पेट की चर्बी है, कमर का दर्द है वो दोनों ठीक हो जाएगा, और कुछ है फिजिकल प्रॉब्लम छोटे मोटे तो भी ये एक्सरसाइज से आपको राहत मिलेगी। तो आशा रखता हूं मेरी ये इन्फॉर्मेशन और एक्सरसाइज दोनों आपको अच्छी लगी है। प्लीज उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम, परमात्मा मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।